सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे स्वाद फूड ऑफिस चैनल पे। मैं आपका अपना होस्ट नरेश, और भाई आज मैं आ गया हूँ मालवीय नगर। मालवीय नगर में आया हूँ मैं आज सत्कार शॉपिंग सेंटर। ये सत्कार शॉपिंग सेंटर और इसी के जस्ट पास में आया हूँ मैं, आपको खिलाने आया हूँ भाई दिल्ली की मशहूर सोया चाप, जो कि मिलती है भाई यहाँ पे। और भाई ये स्ट्रीट से लगाते हैं, ना ही कोई शॉप ना कोई कैफे है, ये स्ट्रीट से लगाते हैं। और भाई मैंने इनकी बहुत तारीफ़ सुनी है कि भाई जो इनकी सोया चाप होती है वो भाई बिल्कुल एग्जैक्ट दिल्ली स्टाइल बनती है। तो भाई चलते हैं, पता करते हैं कि टाइमिंग कब से रहती है, उनका कितना टाइम हो गया ये स्टॉल लगाते हुए। भाई लेट्स गो। तो दोस्तों देखिए, हम लगवा रहे हैं हाफ अफगानी और हाफ लगवा रहे हैं हम मलाई पनीर टिक्का। यहाँ पे हमारा लग चुका है, देखिए यहाँ पे औरों की भी चाप लग रही है, और बिल्कुल क्यूट सा सेटअप है भाई तंदूर का, देख सकते हैं आप बिल्कुल ही क्यूट सा। यहाँ पे ये प्रिपेयर हो रही है, ये देखिए यहाँ पे देखिए भाई, शाम को 5 बजे लग जाता है ये। तो ये यहाँ के ऑनर, थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया। सर आपका नाम बता दीजिए एक बार। मनोज। सर कितना टाइम हो गया अपने स्टॉल को? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। और टाइमिंग क्या क्या रहती है अपने यहाँ की? 5 से 11 रहती है शाम को 5। तो मोस्टली लोग कौन सा आप खाना पसंद करते हैं यहाँ पे? आपके यहाँ ऐसे सारी खाते हैं, मतलब अफगानी मलाई और एक्स्ट्रा मसाला वो ज्यादा फेमस। अपने पास क्या क्या कौन कौन चाप मिलती है अपने यहाँ पे? मलाई है, मसाला है, लेमन है, अचारी है, और पनीर टिक्का वगैरह भी लगाते हैं? पनीर टिक्का भी है। अच्छा, तो और तवा चाप ग्रेवी है। तो अगर मैं एड्रेस की बात करूँ, जो भाई हमारा वीडियो देखेंगे तो आप एड्रेस बता सकते हैं? सत्कार शॉपिंग सेंटर मालवीय नगर, जैन मंदिर के सामने। जैन मंदिर के सामने। थैंक यू सो मच सर। तो आइए हम भी लगवा लेते हैं इनमें से कोई चाप, और हम टेस्ट के बताते हैं कि भाई यहाँ पे कैसी किस तरह की चाप मिलती है। और आप ये देख सकते हैं भाई, चाप की क्वांटिटी बहुत सारी है। यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है भाई छोटा सा तंदूर, ये देखिए, और यहाँ पे छोटी सी गैस है। इनका एक यूनिक कॉन्सेप्ट भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए पहले लगवा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी बनने जा रही है अफगानी मलाई, ये देखिए चॉप कर दिया भैया ने, अब जाएगी इसमें। हमारी ब्रांचें भी हैं सर, आपने कहाँ का ब्रांच है सर? जम्मू में और कानपुर। अच्छा, भैया क्या डाला है? बता चाट मसाला सर। चाट मसाला डाला है, ठीक है। ये बटर डाला है, ये इसमें थोड़ा सा बटर, ये देखिए जिन्होंने इसमें रखा है सामान, ठीक है। इनकी क्रीम है, और ये बिल्कुल मिक्स करके ये रेडी कर रहे हैं, देखिए। और भाई मुंह में पानी, जैसे भैया गोले जा रहे हैं वैसे मुंह में पानी आ जा रहा है, आप देख सकते हैं, ये एकदम अच्छी तरह भैया ने कर दिया। और अब आया इनकी मेन बारी, ये आपने कभी नहीं देखा होगा, ये आपने कभी नहीं देखा होगा, ये यहाँ पे गर्म भी करते हैं। मोस्टली जो होता है चाप वाले, वो भाई हैं तंदूर में करके और काट के और दे देते हैं मलाई वगैरह डाल के। लेकिन यहाँ पे देखिए भाई, इन्होंने स्टॉव रखा है जो भाई इसको बहुत ही ज़्यादा गर्म बना देता है, और गर्मा गर्म मिलेगी यहाँ पे आपको, ये देखिए। ये आपने बिल्कुल ही नया देखा होगा, कि मैंने भी देखा है। यहाँ पर रेडी हो रही है हमारी प्लेट, और ये आ गई है, ये बढ़ जाओ भैया, ये हमारी प्लेट में डल चुकी है अफगानी मलाई, ये देखिए। दोस्तों ये इनकी सोया विंग्स, ये देखिए, और यहाँ पे लगने जा रहा है हमारा पनीर टिक्का, ये अच्छी तरह रोस्ट हो चुका है। अब इसकी कौड़ी कटिंग एकदम छोटे छोटे पीसों में, अंदर अब जा रहे थोड़ा सा चाट मसाला, ये देखिए थोड़ा सा बटर। अबे ये क्या है? मिर्ची, मैं किस चीज़ का पेस्ट लगा रहा था? मिर्ची और लहसुन और अदरक सारा मिक्स, सारा मिक्स रहता है ये, ठीक है। ये आ गई थोड़ी सी हरी चटनी। अबे हरी चटनी में क्या क्या होता है मिक्स? इसमें होता है भैया धनिया, पालक, पुदीना, अच्छा। अदरक, लहसुन सारा मिक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी गर्म हो रही है, यहाँ पे मिक्स हो रही है अच्छी तरह और गरम, ये देखिए। और अब लगने जा रही है हमारे यहाँ प्लेट, ये रही एक प्लेट हमने लगवा चुके हैं, और अभी ये पनीर टिक्के की प्लेट लग रही है, ये देखिए।
ये आ गए प्लेट में थोड़े से प्याज, थोड़ी सी इनकी हरी चटनी, ये देखिए खाने के, और ये रेडी हो चुका है। तो भाई यहाँ पे लगने जा रहा है हमारा हमारी रोटी, तो हाफ मसाला, ये देखिए गर्मा गर्म मसाला हाफ लेमन है, ये लगने जा रही है। देखिए रुमाली रोटी हमारी, ये देखिए, और आप क्राउड देख सकते हैं भाई, बहुत लोग आए खाने के लिए क्योंकि भाई मशहूर है यहाँ पे। औरों की भी चाप लग रही है, ये देखिए। अब एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं और बताते हैं हमारा रिव्यू कि भाई हमारे जो भी सब्सक्राइब आएंगे उनको यहाँ पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो भाई हम टेस्ट करेंगे और फिर बताएंगे आपको। तो दोस्तों हमें प्लेट लग चुकी है, हमने लगवाई दोनों हाफ हाफ, ये हमारी अफगानी मलाई, ये हमारा पनीर टिक्का, हमने लगवाई दो रुमाली रोटी, ये देखिए। इसमें से हम थोड़ा बाइट लेते हैं, ये हमने तोड़ लिया टुकड़ा, और पहले ट्राई करते हैं हम इनकी अफगानी मलाई, जो भाई बहुत ही ज़्यादा क्रीमिश लग रही है। ये ले लिया हमने एक पीस, ऊपर डालेंगे थोड़ा सी चटनी और डालेंगे थोड़ा सा प्याज, और अब खाएंगे। बिल्कुल ही क्रीमियस फ्लेवर आ रहा है दोस्तों, और बिल्कुल बैलेंस मसाले डले में। एक बार मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पे आइए और एक बार इनका अफगानी मलाई ट्राई करिए, स्वाद बहुत ही अच्छा है। जिसकी बात की तो मैंने आपको बता ही दिया, ये मेरे हाईली रिकमेंड है कि आप यहाँ पे आके ये तो ट्राई कर सकते हैं। अब बात रही पनीर टिक्का की, तो इसकी भी एक बाइट ले लेते हैं हम। तो हमने टुकड़ा ले लिया और हमने एक पनीर का पीस ले लिया, देखिए, और अब जाएगा इसके अंदर थोड़ा सा इनकी हरी चटनी, थोड़ा सा प्याज, और ये हमने बाइट बनाई। इसमें भाई जो वो लहसुन की और मिर्ची की जो चटनी डाली थी ना, उसका फ्लेवर से इसमें चार चांद लग गए हैं भाई। उसी का मतलब अच्छा टेस्ट आ रहा है इसमें, जो मतलब पनीर टिक्का है, जितनी गार्लिक की और जो मिर्ची वगैरह चटनी है, उसका टेस्ट बिल्कुल सही तरह से आया। और भाई ओवरऑल अगर मैं रेटिंग की बात करूँ भाई, 10 में से 9 दे सकता हूँ मैं। आप यहाँ पे आइए, विजिट करिए, खाइए और ख़ुद बताइए कि आपको यहाँ की चाप कैसी लगती है। टाइमिंग और एड्रेस अंकल ने बताई दिया है, तो भाई खुद आइए, खुद बताइए। और जो जो भी यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर यहाँ पे आए खाने के लिए, तो भाई कमेंट भी कर दीजिए कि आपको खा के कैसा लगा और आप कितना रेटिंग दोगे। तो हमारी वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब जिन्होंने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब करा हो, फिर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमको भाई थोड़ा मोटिवेशन दीजिए, जिससे भाई हम आपके लिए ऐसी टेस्टी ऐसी फूड की वीडियो ला सकें। तो हम मिलते हैं बाद में, जब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए, अलविदा।